नमस्कार, विकी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के फुटाला तालाब पर पानी पर तैरता दुनिया का सबसे बड़ा संगीतमय फवारा, नितिन गडकरी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट का पहला प्रदर्शन। चंद्रपुर में तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग को मिली सफलता, नागरिकों को मिली राहत। और मोदा में पुल के ऊपर कार और मोटरसाइकिल की हुई जोरदार टक्कर, दो की मौत और दो गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अवधारणा के साथ नागपुर शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई है। इन अच्छी परियोजनाओं में से एक प्रसिद्ध फुटाला तालाब की प्राकृतिक सुंदरता को और अलौकिक सुंदर बनाना है। इसके तहत फुटाला में पानी पर तैरता दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। इसके अलावा नागपुर के लोग भी लाइट शो देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का पहला प्रदर्शन पूरा हो गया है। सुरम्य संगीत की धुन पर तालाब का पानी फवारे के माध्यम से नाचेगा। फुटाला तालाब के म्यूजिकल फाउंटेन को दुनिया का सबसे ऊंचा म्यूजिकल फवारा माना जा रहा है। इस संगीतमय फवारे के साथ संगीत महान संगीतकार एआर रहमान का है। इस परियोजना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के सड़क कोष से 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक बार में 4000 प्रेक्षक एक साथ इस शो का लुत्फ उठा सकेंगे। नागपुर के गौरवशाली इतिहास को मराठी में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, हिंदी में गुलजार और अंग्रेजी में महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक कमेंट्री के रूप में सुना जाएगा। इसके अलावा संगीतकार एआर रहमान द्वारा रचित एक सिग्नेचर ट्यून को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लोकप्रिय फिल्मी गानों की थाप पर पानी को नचाया जाएगा। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर अपनी यादों को ताज़ा किया और कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो क्लास में बोर होने पर अपने दोस्तों के साथ फुटाला लेक आता था। मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पीता था। इस जगह पर कितने घंटे गुजर जाते थे इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। इतिहास का कोई किनारा नहीं होता। एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है। हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो कभी हाथ नहीं आता, वो आगे ही आगे चलता रहता है। फुटाला लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकारी एजेंसी का सहयोग मिला है, उनके सब प्रमुखों का हमें मिला है। उसकी जो ट्रायल होने वाली है 8-10 दिन होने वाली है और हमने ये सोचा कि सबसे पहले नागपुर में अलग अलग लोगों को बुला करके दिखाए ताकि उनके जो सुझाव प्राप्त हो सके। अभी भी प्रोसेस में है। हम जहाँ खड़े हैं उसके आगे फाउंटेन के पहले एक 500 स्क्वायर फीट का स्टेज होगा।
और उस स्टेज में फाउंटेन के पीछे में एक बहुत बड़ा स्क्रीन है इलेक्ट्रॉनिक का जो पेड़ के रूप में है, जिसमें उसकी प्रतिकृति दिखेगी। आज पहली बार ट्रायल की ये जो पूरी सिस्टम है साउंड सिस्टम, इसको आज सिंक्रोनाइज किया है। अभी मधु पांडे जी है, ये जो प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा तो कवि सम्मेलन हो सकेगा। दरड़ा जी को मैंने कहा कि आपको पत्रकारों के लिए कोई विचार गोष्ठी लेनी है तो सुबह के समय 4000 लोग यहाँ बैठेंगे, वो कार्यक्रम ऐसे हो सकता है। कोई भी बांसुरी या कोई म्यूजिक, वो भी कार्यक्रम हो सकता है। और विशेष रूप से केवल शादी और रिसेप्शन के लिए नहीं कंडीशन है, बाकी आपके लिए कोई भी हो सकता है। मैं एक छोटी अपील आपको करूँगा, इसके बाद तेलंगड़ी गार्डन है। कल ही हमने प्लान तैयार करके तेलंगड़ी गार्डन में एंट्री करने के पहले करीब 600-700 गाड़ियों का पार्किंग बना है, और वहीं से चढ़कर आप डायरेक्ट यहाँ फाउंटेन में आओगे। उसका एक पूरा रूट बनाया है। और तेलंगड़ी गार्डन में हम लोग वो पहले घोसले का लिए टैंक है, तो पानी में वो टैंक वैसे ही डेवलप करके हम कमल के फूल लगाने वाले हैं, और इसमें 265 कमल के फूल की जातियाँ हमने इकट्ठा की है। अगर आपके पास भी कोई होगी तो हमें ला के दीजिए, और वो भी गार्डन बहुत ही सुंदर होगा। इसके साथ साथ बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है, जिसके अभी 3 बजे शायद पूरे हुए हैं, लेकिन 10 से 12 बजे तक 8 बजे जा रहे हैं, क्योंकि 3 नीचे में है। तो ये 8 बजे में 30,000 स्क्वायर फुट का फुटबॉल होगा। और मैंने मेट्रो को कहा कि पहले नागपुर के फुटपाथ रोड पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी वीडियो फिल्म निकालो, वो कौन है, और वो अच्छे क्वालिटी का ड्रेस पहनकर उन गरीब लोगों को हम लोग उसमें देंगे, कूपन लेके लोग आएंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा और गरीब लोगों को सस्ते में खाने के लिए मिलेगा, रस्ते मिलेगा। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, जैसे ललित नाम नितिन जी, शीश पर आशीष मंगल, चरण कमल प्रणाम नितिन जी, निर्जर से है निर्मल निश्चल, पूरी तरह ध्यान दें कैसे नितिन जी, निर्जर से है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम नितिन जी, पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम नितिन जी, और जब जब इनको निहारो लगता चारो धन। यवतमाल शहर में हाल ही में एक घटना घटी है, जहां लोहारा क्षेत्र के देवीनगर में एक घर के सामने खड़ी चौपहिया ऑल्टो कार को 2 अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उक्त घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सौभाग्य से कार के जलने से घनी आबादी वाले घरों में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। महिला फिरियादी दीपिका सिद्धार्थ वानखेड़े ने कहा है कि घटना की प्राप्त फुटेज अवधूतवाड़ी थाने को सौंप दी गई है, साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए इसलिए पुलिस ने घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ऐसी मांग की जा रही है। घटना की फुटेज मिलने से अवधूतवाड़ी पुलिस को अपनी जांच में मदद मिल सकती है। माझे नाव दीपिका सिद्धार्थ वानखेडे आहे, मी देवीनगर लोहारा येथे राहते। 18 तारखेला 2 मुलांनी येऊन माझ्या घरासमोरील माझी गाडी अल्टो कार MH 29R 1483 ही अक्षरशः माझ्या डोळ्यासमोर पेट्रोल टाकून भडकवून दिली आणि पळून गेले। गाडी भडकवून दिल्यामुळे अक्षरशः गाडीचा खूप मोठा भडका झाला, त्याच्यामुळे आमच्या गाडीचं तर नुकसान झालंच माझ्या, पण आमच्या आजूबाजूच्या एरियातील छोटे मुलं खेळत असतात, घरं आहे त्या घरांनाही खूप हानी झाली असती किंवा कोणाची जीवित हानी झाली असती। हा जो एवढा प्रकार घडला या संदर्भात मी माझी तक्रार अवधूतवाडी पोलीस स्टेशनला नोंदवली आहे। तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की अवधूतवाडी पोलिसांनी त्यांच्यावर त्वरित गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना त्वरित अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करावी। काय नाव तुमचं? माझं नाव दीपिका सिद्धार्थ वानखेडे आहे, आणि हा जो सर्व प्रकार घडला हा माझ्याकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहे, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये हा सर्व प्रकार रेकॉर्ड झाला आहे, मी त्याची सर्व रेकॉर्डिंग अवधूतवाडी पोलिसांना दिलेली आहे, तर त्यानुसार त्यांनी तपास करून लवकरात लवकर या आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा। नाही आज मोठी हानी टळली तर होऊ शकते उद्याही पुढे जाऊन जर अजून काही हानी होणार, हे लोक अजून काही मला त्रास देणार किंवा माझ्या गाडीला किंवा घराला इतर कोणाला त्रास देतो, ते संकट टळलं पाहिजे। बल्लारपूर वन परिक्षेत्र के विसापूर परिक्षेत्र में एक तेंदुए की वजह से नागरिकों में भय था, पालतू जानवरों पर हमले बढ़ रहे थे। तेंदुए की वजह से आने जाने वाले लोग दहशत में थे, इसलिए इस तेंदुए को कैद करने की मांग की जा रही थी। अंततः वन विभाग ने बुधवार की रात तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे नागरिकों को राहत मिली है। तेंदुए ने विसापुर क्षेत्र के पावर हाउस सेंटर की सुनसान कॉलोनी में शरण ली थी। लगातार 2 महीने से तेंदुए का आतंक है। तेंदुआ सीधे विसापुर गांव पहुंचा और गांव के पालतू जानवरों और कुत्तों का शिकार किया, जिस वजह से नागरिक दहशत में थे।
तेंदुए को कैद करने की मांग की गई थी। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए थे। बॉटनिकल गार्डन के पास तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। तेंदुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। देश में कोरोना, मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू ने तनाव बढ़ा दिया है, उसी के साथ ही अब टोमेटो फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दक्षिण भारत में टोमेटो फीवर का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी तक एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य में टोमेटो फीवर के मरीजों की मौजूदगी से खतरा बना हुआ है। केरल और ओडिशा में अब तक 80 से अधिक बच्चों में इस बीमारी का पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में टमाटर फ्लू का पहला मामला सामने आया था। 26 जुलाई तक 82 से ज्यादा बच्चे संक्रमित बताए जा चुके हैं। MH35AG9160 मारुति सुजुकी डिजायर नागपुर से भंडारा जारी थी कि तभी पुल के ऊपर से गुजरते समय कार ने राजू इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। राजू कृष्णराव तिजारे उम्र 40 साल, पत्नी भारती राजू तिजारे उम्र 35 साल, बेटा कृष्णराज राजू तिजारे उम्र 12 साल को नागपुर लाया गया, वो गंभीर रूप से घायल है। 8 साल की बेटी सिद्धेश्वरी राजू तिजारे को भंडारा में शिफ्ट किया गया है। ये चारों MH40AM2693 मोटरसाइकिल से नागपुर से चिरवा स्थित अपने घर जा रहे थे। पुल के ऊपर से गुजरते समय कार ने राजू की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। राजू की पत्नी भारती की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही कृष्णराज अस्पताल नागपुर में लड़के की मौत हो गई है। मौदा पुलिस आगे की जांच कर रही है। राज्य में अपराध की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। नागपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी प्रेमिका पर पैसे लुटाने के लिए दो पहिया वाहन चोरी का मामला सामने आया है। प्रेमिका और गांजा पर खर्च करने के लिए बाइक चोरी करने के आरोप में एक नाबालिग और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। वाड़ी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक आरोपी का नाम रमजान उर्फ मुनीर इकराम अंसारी है। उससे और उसके नाबालिग साथी से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए मूल्य के 7 दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। वाड़ी पुलिस चोरी की जांच कर रही थी, इसी दौरान नाबालिग को संदिग्ध हालत में गाड़ी छोड़ते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी की मदद से नाबालिग को ट्रेस कर लिया। गढ़चिरौली जिले के अति संवेदनशील हिट्टी इलाके में एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर पुलिस ने 32 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये राशि उस इलाके से मिली है जहाँ माओवादी लगातार सक्रिय है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हिट्टी में साईनाथ कुमरे के घर पर छापा मारा।
पुलिस को सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।